करोगे। अब देखो जैसे अभी हम लोग चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते जा रहे हैं, तो चैप्टर क्या हो जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। अब चैप्टर आगे बढ़ते जा रहा है, तो अभी जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जैसे हम लोग मिश्र समानुपात पढ़े, अनुपात पढ़े, रेशियो पढ़े, अब उससे पहले जो चैप्टर पढ़े हुए हैं, जैसे हम लोग सबसे पहले पढ़े थे संख्या पद्धति, एलसीएम, एचसीएल, आयु, एवरेज, यहाँ पर कोई भी प्रीवियस चैप्टर से, प्रीवियस चैप्टर मतलब पुराना जो चैप्टर सब है, वो चैप्टर सब क्या करो एक एक करके बनाते जाओ। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी एसआईसीआई इधर पढ़ रहे हैं, लेकिन पुराना चैप्टर सब तो आपको छूट गया, तो वो जैसे छूट जाएगा तो पूरा पूरी आपका क्या होगा, वो भूलते जाओगे धीरे धीरे, क्या होगा भूलते जाओगे। तो दोबारा क्या करो, यहाँ पर प्रीवियस जो जो आपका जो चैप्टर सब पढ़ाई हो चुका, जो आप पढ़ चुके हो, वो क्वेश्चन सबको रिविजन करो। जैसे वो रिविजन करने में क्या तरीका होगा, सेम, सबसे पहले आपका जो नोट्स है उस नोट्स को कंप्लीट करो, वहाँ पर क्या होगा आपका बेसिक हो जाएगा कंप्लीट, और आपका जो छोटा छोटा क्वेश्चन सबसे इजी लेवल से लेकर हार्ड लेवल तक बनाने का जो बेसिक पूरा टोटल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, फिर वही एक बुक उठाओ आपके पास जो भी बुक है, उस बुक से सीरियल वाइज क्वेश्चन बनाओ जिसे पुराना है, इससे क्या होगा जो चैप्टर से आप पढ़े हो जो भूल जा रहे हो वो दोबारा आपका रिमाइंड हो जाएगा। क्लियर समझ में आया कैसे पढ़ना है? सबसे पहला आपका जो जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसका चैप्टर कंप्लीट कर लो। अब वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो आपके पास बुक है वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो। क्लियर है? अब ये तीसरा स्टेज था, अब चौथा स्टेज जाओगे, अभी तुम लोग छोटा हो थोड़ा, ठीक है, जब बड़ा हो जाओगे तो चौथा स्टेज यहाँ पर आपको बताएंगे, वो जिसका कि सिलेबस कंप्लीट है, जो रिविज़न कर चुका है उसके लिए, तुम लोग को भी बता देते चलो, उसके लिए होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल सकते हो या मॉक टेस्ट लगाना। क्या बोल सकते हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक टेस्ट। जैसे आप अभी जैसे हम लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे का टीसीएस जैसे कि यूथ कंपटीशन का बुक हो या फिनाकल का, जैसे भी नया बुक्स लिए हैं, तो वो बुक्स में पिछला जितना साल आया जैसे 2018-22 उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब है वो क्वेश्चन सबको पढ़ना चाहिए। उसके बाद अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए तो बहुत अच्छा, इसके साथ साथ आपको मैथ को स्पीड करने के लिए क्या बना सकते हो, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बोलने से जैसे आप ऑनलाइन वगैरह दोगे तो 20 या 25 का सेट सब आता है, मैथ का 25 टेस्ट अलग अलग, जैसे अभी जैसे एलपी का रहेगा, टेक्नीशियन का रहेगा, ग्रुप डी का रहेगा, एनटीपीसी का रहेगा, वो सभी। अब जरूरी नहीं कि आप अगर ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ ग्रुप डी को फॉलो करो, आप एनटीपीसी, एलपी सबको, क्योंकि देखो एग्जाम जो लेते हैं हम लोग का टीसीएस द्वारा, अब ये सभी एग्जाम को एक साथ लेता है, तो ग्रुप डी का एनटीपीसी में डाल देगा, एनटीपीसी का एलपी में डाल देगा, एलपी का ये आरपीएफ में डाल देगा, तो ये सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करना चाहिए। ये चार स्टेज पूरा हो जाएगा तो आपको मैथ में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, आपका रिविजन भी पूरा कंप्लीट रहेगा। चौथा स्टेज पहुंच गया तो फिर सोचना नहीं है, अभी तुम लोग फर्स्ट स्टेज में हो, ठीक है, यहाँ पर हो, सेकंड पहुंचो, सेकंड पूरा हो जाएगा, सेकंड तो सेकंड और थर्ड साथ में ही चलना है, ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब पूरा फाइनल सिलेबस कंप्लीट होगा उसमें जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट, ठीक है।